ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पे जो आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो चल रहा है अभी फिलहाल। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों ने, जिसने भी आप एमएसटी सीईटी एग्जाम दिया है, तो उन लोगों ने यार यहाँ पे एमएसटी सीईटी का जो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म है फॉर द एमएसटी सीईटी 2021 काउंसिलिंग प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस, तो वो भर दिया होगा। ठीक है, भर दिया होगा 18 तारीख तक। यार उसके एक्सटेंडेड जो डेट है वो 20 नवंबर है, तो 18 तारीख तक आपको भरना है, तो आपने भर दिया होगा अब तक शायद। और जिनका भी कुछ डॉक्यूमेंट निकालना बाकी है वो 2-3 दिन में भर देंगे। ठीक है, इस वीक में यार भर देना, ठीक है, कंप्लीटली भर देना इस वीक में, क्योंकि ज्यादा डिले मत करना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जाके यार क्या चीजें हो जाए आपके साथ, आपको भी पता नहीं है फिलहाल। तो ठीक है, अभी से भरना स्टार्ट कर दो। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट रह गया है निकालना, 2-3 दिन में आप कर दो उसको। ठीक, ओके। तो आज जो टॉपिक है हमारा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा, जिनका भी परसेंटाइल 90 से ऊपर है वो यहाँ पे ओपन में रहे, एससी में रहे, एसटी में रहे, ओबीसी में रहे, ईडब्ल्यूएस में रहे, टीएडब्ल्यूएस उसने अप्लाई कर दिया हो, जो कुछ भी रहे, अगर उसका जो परसेंटाइल है ओवरऑल अभी फिलहाल रिजल्ट में वो अगर 90 से ज्यादा है, 90% से ज्यादा है, कोई भी कैटेगरी हो या तो कैटेगरी ना हो, ओपन भी हो, ठीक है, तो उसके लिए मैंने 63 कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट किए हैं। ठीक है, कितने? 63। ओके, तो 63 ये कॉलेज आपको कंपलसरी डालने, यार जो भी यहाँ पे 90% से ऊपर है उनको ये कंपलसरी डालने हैं। ये जो 63 कॉलेजेस है यार, ये टॉप के कॉलेजेस है महाराष्ट्र में, तो उसको मैंने यार पूरा यहाँ पे रिसर्च वगैरह करके इस लिस्ट में मैंने ऐड कर दिया है। खाली जो सीक्वेंस है वो ऊपर नीचे है, ठीक है, मतलब ऐसे नहीं कि जो मैं 1 नंबर पे यहाँ पे जो लिखा हो वही 1 नंबर आपको डालना है, नहीं, ये आपके अकॉर्डिंग डालना है, मतलब जिस सिटी में आपको चाहिए कॉलेज उस सिटी के आप उठाओगे इस लिस्ट में से, नहीं तो ये पूरी लिस्ट अगर डालनी है आपको तो आपका जो सीक्वेंस रहेगा, आपको जो प्रेफरेंस रहेगा, सपोज मैंने सीयूपी, यहाँ पे कहीं पर भी हो सकता है सीयूपी पुणे, तो आपको ये सबसे ऊपर डालना, तो आप डाल सकते हो। मैंने खाली शॉर्ट लिस्ट किए है, ठीक है, खाली मैंने शॉर्ट लिस्ट किए है, मतलब मैंने खाली उनमें से चुने हैं 63 कॉलेज, जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें से मैंने 63 कॉलेजेस यहाँ पे चूज किए हैं। ठीक है, तो अभी आपका जो ऑर्डर रहेगा आपकी मर्जी रहेगी, मेरा काम था आपको लिस्ट प्रोवाइड करना। अगर कुछ भी डाउट आ रहा है, मतलब डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड है, नहीं तो कॉलेज से रिलेटेड है, ब्रांच से रिलेटेड है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली यार कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम का मेरा जो आईडी है आपको दिख ही गया होगा अब तक, तो नहीं तो जो डायरेक्ट डाल सकते हो आप जाके आशीष_लाटकर_7। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ अब तक आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा, अभी का अभी मेरे सामने ही कर देना। और मुझे अगर कोई पहली बार देख रहा है, मेरी आवाज सुन रहा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ मेरे लिए, क्योंकि जैसे जैसे हम इस पर मेहनत करते जा रहे हैं यार, मुझे लगेगा कि यार हाँ कुछ इंपोर्टेंट हम चीजें कर रहे हैं, कुछ वैल्यू एडिशन हम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक कर देना और कमेंट जरूर करना है वीडियो के बाद, ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो उसमें से कौन से पॉइंट आपको अच्छे लगे, कौन से बुरे लगे, आपको मेंशन करना है। ठीक है, तो मुझे 63 कॉलेज के नाम लेने यार, तो मैं स्टार्ट कर दो जल्दी जल्दी ले लेता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे सारी लिस्ट देख सकते हो। ठीक, तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती, देन गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग यवतमाल, देन श्री संत गजानन महाराज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग शेगांव, देन है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग औरंगाबाद, देन एचजीजीएस नांदेड़, श्री गुरु गोविंद सिंह जी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, एचजीजीएस उसको बोलते हैं, ठीक है, नांदेड़, ये 5 हो गए, ये 5 5 हर एक पेज पे है। ठीक है, देवगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट स्टडीज औरंगाबाद, देन एमएस बिडवे इंजीनियरिंग लातूर, वीजीटीआई मुंबई, सरदार पटेल अंधेरी, और बाबा साहेब अंबेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी लोनियर, ठीक है, दैट इज बाटू लोनियर उसको जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है ऊपर नीचे मैंने पहले मेंशन कर दिया है, मैंने खाली शॉर्ट लिस्ट किया, मैंने खाली चुने हैं 63 कॉलेजेस, इसको कैसे ऑर्डर करना है, कैसे ऑर्डर देना है, आपको जो प्रेफरेंस है वो आपकी मर्जी रहेगी। ठीक है, पर ये जो 63 कॉलेजेस है वो डालना जरूर, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कॉलेजेस है। ठीक, उषा मित्तल इंस्टीट्यूट फॉर द वुमेन्स मुंबई, देन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी दैट इज आईसीटी माडुंगा मुंबई, देन है मांद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट दैट इज राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई, देन विद्यालंकार इंस्टीट्यूट वडाला का जो है वो है मुंबई, एमजीएम मुंबई, देन है ठाकुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कांदिवली मुंबई, थाड़ोमल साहनी इंजीनियरिंग कॉलेज बांद्रा मुंबई, देन अंजुमन इस्लाम साबू सिद्दीक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, देन है
ओके फादर रॉड्रिक्स, फादर रॉड्रिक्स है शायद, ठीक है, फादर रॉड्रिक्स कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बांद्रा मुंबई, देन विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटीज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज चेंबूर, देन है NYSS दत्ता मेघे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मुंबई, ठीक है, देन भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ मुंबई, नई मुंबई का पुणे का नहीं है, ठीक है, दैट इज तेरना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नेरुल नई मुंबई, देन अग्निल चैरिटीज दैट इज फादर रॉड्रिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वाशी नई मुंबई, देन डी जे सांगवी मुंबई, रिजवी एजुकेशन सोसाइटीज बांद्रा मुंबई, अथर्व कॉलेज मलाड मुंबई, देन एस टी फ्रांसिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज बोरीवली मुंबई, महात्मा गांधी एजुकेशन नवीन न्यू पनवेल नवीन पनवेल, ठीक है, देन है डॉन बॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई, के जे सोम्या मुंबई का बहुत ही बढ़िया कॉलेज है के जे सोम्या, ठीक है, देन आई एस आई ई एस ग्रेजुएट स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक, देन भारतीय विद्यापीठ भवन दैट इज सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अंधेरी मुंबई, लक्ष्मी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर, श्री रामदेव बाबा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट नागपुर, या भी नागपुर जलगांव के चलेंगे थोड़े, ठीक है, देन गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जलगांव, देन गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च अवसारी खुर्द, या आपने नाम सुना होगा शायद, ठीक है, देन गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कराड, ये भी सुना होगा, देन सीयूपी पुणे दैट इज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, देन वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली, देन प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसाइटीज मॉडर्न कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, जयवंत शिक्षण प्रसारक मंडल राजश्री शाहू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग तातोड़े पुणे, MIT आळंदीका पुणे, देन है मराठवाड़ा मित्र मंडल्स कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कर्वे नगर, ठीक है, पुणे, पिंपरी सिंस वर्ड्स दैट इज PCCOE पुणे, ठीक है, ये पिंपरी का है, हाँ पिंपरी कैंपस है ये, ठीक है, देन सिंहगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग वड़गांव BK पुणे, देन है सिंहगढ़ टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटीज काशीबाई नवले, ठीक है, काशीबाई नवले वड़गांव पुणे, ठीक है, देन DY पाटिल, ओके यहाँ पे शायद ये DY पाटिल, ओके ठीक है, DY पाटिल पिंपरी का है, ठीक है, देन है वालचंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सोलापुर, वालचंद एक सोलापुर में दूसरा सांगली में, ठीक है, द कंफ्यूजन आपको नहीं रहना चाहिए बिल्कुल, ठीक, देन कोल्हापुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ऑटोनॉमस कोल्हापुर, ठीक है, देन पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी देन कवडी पुणे दैट इज PICT पुणे, ओके, देन DY पाटिल ये आकुरडी का जो मेन कैंपस है यार, ये बढ़िया कॉलेज है, ठीक है, DY पाटिल आकुरडी, देन है पिंपरी का भी अच्छा है यार प्लेसमेंट वाइज अगर देखें, देन है बंसीलाल रामनाथ अग्रवाल चैरिटेबल ट्रस्ट विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बीबेवाड़ी पुणे, ठीक है, तो ये है यार शायद मेरे हिसाब से है ये VIT पुणे, ठीक है, VIT पुणे, देन पुणे विद्यार्थी गृहस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, ठीक है, देन कमिंस कॉलेज ऑफ पुणे दैट इज फॉर वुमेन्स, देन ऑल इंडिया श्री शिवाजी मेमोरियल सोसाइटीज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, देन मॉडर्न एजुकेशन सोसाइटीज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, ऑल इंडिया श्री शिवाजी फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है, आपने ये दो बार नाम सुना होगा शायद, ठीक है, पुणे, देन भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन, ये वुमेन का है कात्रस धनकवड़ी पुणे, ठीक है, देन ब्रैक्स VIIT, VIIT जिसको बोलते हैं पुणे का, VIT अलग से VIIT, ठीक है, VIIT कोंडवा में है ये पुणे, ठीक है, देन DY पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च आकुरडी पुणे, देन पिंपरी चिंचवड एजुकेशन ट्रस्ट पिंपरी चिंचवड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च रावेत, मतलब PCCOE मैंने एक अलग से मेंशन किया ऊपर वो था मेन उनका पिंपरी का, ये है रावेत का कैंपस, ठीक है, तो ये PCCOE की मैंने दो अच्छे कैंपसेस मैंने इसमें डाल दिया है, चाहे तो यार इसमें और दो तीन शायद उनके ओवरऑल 3 से 4 कैंपस है PCCOE के, ठीक है, और सिंहगढ़ के बहुत सारे, तो मैंने जो मेन मेन है यार जहाँ पे ज्यादा अच्छा खासा एक्सपोजर आपको मिलेगा खाली मैंने वही मेंशन करे है, तो ओवरऑल यहाँ पे 63 कॉलेजेस है यार उस लिस्ट में, जाके इसका जो एक्सेस है आपको टेलीग्राम के ग्रुप में हमारे मिल जाएगा, टेलीग्राम का ग्रुप जो उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ज्वाइन करके वहां से ये डाउनलोड कर सकते हो, और यही डाल देना यार जिनका भी परसेंटाइल 90 से ऊपर है कैटेगरी यहाँ पे मैटर नहीं करेगी, मैंने ऐसी लिस्ट बनाई है, जाके आपको आपका ऑर्डर जो है वो बढ़िया से डालना है, तो मैं आशा करता हूँ यार कि आपको हर एक बात समझ आई होगी और पसंद भी आया होगा, पसंद आया है तो आप जरूर लाइक करोगे, ना भी पसंद आया तो तब भी लाइक करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे कि एग्जैक्टली आपको कौन सी बात अच्छी नहीं लगी, ठीक है, और जो जो चीजें अच्छी लगी वो तो आपको डालना ही है,
ठीक है। अगर कुछ पर्सनली डाउट है तो टेलीग्राम पे ज्यादा मैं मैसेजेस नहीं देखता, तो इंस्टाग्राम पे आ जाना, ठीक है, डीएम कर देना, ठीक है। सो मिलते हैं, मुझे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो तो मैं जो पोल लिया था वहां से उठाऊंगा, नहीं तो अगर कुछ दिमाग में अलग चीजें आपके हैं तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना, ठीक है। तो मिलते हैं, तो स्टे टू ऑल द बेस्ट और काम करते रहिए।